दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे घायल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। घायल सन 1990 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, अमरीश पुरी, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, शब्बीर खान, सुदेश बेरी, अन्नू कपूर, जैक गौड़, शरद सक्सेना, दीप ढिल्लो, शफी इनामदार और विजू खोटे नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स दिलीप शुक्ला ने लिखे थे और इस फिल्म को धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को कुल 120 स्क्रीन्स के साथ 22 जून सन 1990 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,50,00,000 था। इस फिल्म ने इंडिया में 9,50,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 18,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 1,45,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 21 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1990 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे। इसके लिरिक्स अनजान और इंदावर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे। इसके सभी गाने सुपरहिट रहे थे, पर फिल्म का एक गाना सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे कुमार सानू, शब्बीर कुमार और आशा भोसले ने गाए थे। अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड मिला था, तो सनी देओल को स्पेशल जूरी अवार्ड का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साथ ही इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर और बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट से बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म आमिर खान की फिल्म दिल के साथ क्लैश हुई थी और ये क्लैश दोनों की पहली क्लैश थी। इसके बाद दोनों की फिल्म में सन 1996 और सन 2001 में भी टकराई थी। सन 1996 में सनी देओल की फिल्म घातक और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का क्लैश हुआ था, तो सन 2001 में सनी देओल की फिल्म गदर और आमिर खान की फिल्म लगान का क्लैश हुआ था। नंबर 2, राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म की कहानी कमल हासन को माइंड में रखकर लिखा था, लेकिन तब उनको कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला था। जब राजकुमार संतोषी इस फिल्म की कहानी धर्मेंद्र के पास लेकर गए, तब धर्मेंद्र ने एक शर्त रखी थी कि इस फिल्म में सनी देओल होंगे और राजकुमार संतोषी मान गए थे। नंबर 3, इस फिल्म का सीक्वल 26 साल बाद सन 2016 में रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल घायल वंस अगेन रखा गया था और इस फिल्म को खुद सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया था। नंबर 4, धर्मेंद्र से पहले इस फिल्म को सुब्बा राव प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इस फिल्म में संजय दत्त को लिया जाए, लेकिन तब संजय दत्त के पास डेट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर 5, इस फिल्म के मुहूर्त क्लैब को धर्मेंद्र ने दिया था और तब वहां सनी देओल की माँ भी मौजूद थी। नंबर 6, सुदेश बेरी से पहले उनका रोल के रैना करने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। नंबर 7, सनी देओल इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया को लेना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने मना कर दिया था। नंबर 8, ये फिल्म राजकुमार संतोषी की एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर डेब्यू फिल्म थी। नंबर 9, इस फिल्म के बाद देओल परिवार और मौसमी चटर्जी के बीच लड़ाई हो गई थी। कहा जाता कि घायल की शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही थी, जिसके चलते देओल और मौसमी चटर्जी के बीच में बहस भी होती रहती थी। ये भी कहा जाता है कि देओल ने सक्सेस पार्टी में मौसमी चटर्जी को नहीं बुलाया था, जिसके बाद मौसमी चटर्जी ने मीडिया में देओल के प्रति नाराजगी दिखाई थी। नंबर 10, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को भी अप्रोच किया था,
लेकिन डेट्स ना होने के कारण उन्होंने मना कर दिया था। फिर अंत में मीनाक्षी शिवरात्रि को लिया गया था। नंबर 11, इस फिल्म का रिमेक बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में भी बनाया गया था। घायल के तमिल रिमेक का नाम भरतन था तो तेलुगु रिमेक का टाइटल गम्यम था और कन्नड़ा रिमेक का टाइटल विश्वा था। नंबर 12, जब राजकुमार संतोषी को कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला था तब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को ये फिल्म का ऑफर दिया था। मिथुन इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन जब ये फिल्म धर्मेंद्र के पास पहुंचा तो धर्मेंद्र ने मिथुन से रिक्वेस्ट किया कि वे इस फिल्म से हट जाए। तब मिथुन और धर्मेंद्र काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोस्ती की खातिर मिथुन इस फिल्म से हट गए थे। नंबर 13, इस फिल्म में अशोक की बॉडी को बीच सड़क में फेंक दिया जाता है और सनी देओल जोर जोर से रोते और चिल्लाते हैं। ऐसे ही सेम टाइप का सीन मशाल फिल्म में भी था, जब दिलीप कुमार की पत्नी मरते रहती है और दिलीप कुमार सड़क पर मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं। नंबर 14, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सुदेश बेरी बहुत उदास हुए थे क्योंकि राजकुमार संतोषी ने उनसे कहा था कि फिल्म में उनका बड़ा रोल होगा, लेकिन राजकुमार संतोषी ने उनके बहुत से सीन्स को फिल्म से हटा दिए थे। सुदेश बेरी ने मीडिया के सामने राजकुमार संतोषी के प्रति अपनी नाराजगी भी दिखाई थी। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।